हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसी न्यूमेरिकल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आरएनए सिक्वेशन की ओर जाते हैं। इनिशियल लेक्चर्स के अंदर हमने जो भी न्यूमेरिकल पढ़े फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेम ऐसे ही सेकंड ऑर्डर के लिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। लेकिन सेकंड ऑर्डर से बेटर क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ऑर्डर से, तो वो मैंने अलग अलग वैरायटी के जितने भी थे वो सारे करवा दिए। अब आरएनए सिक्वेशन की ओर जाते हैं। आज आरएनए सिक्वेशन के दो तीन सम करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को पूरा करेंगे। देन आफ्टर आगे अलग अलग वैरायटी के दूसरे सम मैं आपको एज ए पीडीएफ दूंगा, साथ में उसका सॉल्यूशन भी होगा। आपको पहले खुद चेक करना है गिन के कि आपको कितना आ रहा है, देन आफ्टर आप उसको क्या करेंगे प्रॉपरली एक बार देख लेना कि किस तरीके से आंसर आ रहा है, कौन से फॉर्मूला से आंसर आ रहा है, हमें कहाँ इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करना है, ठीक है। हालांकि सारी अलग अलग टाइप के जितने भी नॉन क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाहर से पूछे जा सकते हैं वो सब मैंने आपको करवाए हैं, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं या जो बेसिक है नॉर्मल फॉर्मूला से आते हैं, वो सारे फॉर्मूला के लिए बेसिक जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है। The value of rate constant for the decomposition of nitrogen pentoxide. देखिए, equation हमको बना के दे दिया गया है। ये रहा equation बना के दे दिया गया है। N2O5 give rise to N2O4 plus 1/2 O2। मतलब कि equation balance condition में ही है। बराबर ना? Ready? Now is 3.46 × 10⁻⁵। मतलब कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि के की वैल्यू आपको बता दी गई है। के की वैल्यू कितनी है? 3.46 × 10⁵ एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एट, यानी देखता हूं, एट 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ एंड एट 4.87 × 10⁻³ एट 65 डिग्री सेल्सियस। एक और के दिया है, मतलब कि चलो इसको अलग अलग कर देते हैं। ये K1 है, ये K2 है, ओके। 4.87 × 10⁻³ एट 65 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि आपको ईए कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ईए, समझ में आई बात? क्या ईए कैलकुलेट करना है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का तो मेरे पास जो फॉर्मूला है सीधा ही है आरएनएस इक्वेशन के लिए जो हमने डिराइव किया पहले। तो वो फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, वो फॉर्मूला एक्चुअली में हमारे पास दो या तीन टाइप के थे, क्लियर ना? मैंने आपको जब डिराइव करवाया, अब यहां पे देखिए आपको दिख रहा है कि भाई अलग अलग रेट कांस्टेंट भी है और अलग अलग टेम्परेचर भी है। क्या है? अलग अलग मेरे पास उसका अलग अलग रेट कांस्टेंट भी है और अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू भी है। तो वो जो टेम्परेचर की और रेट कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास है, वो वैल्यू के लिए सबसे पहले तो मैं उसको क्या करता हूँ, डिनोट कर देता हूँ कि भाई ये जो है वो टेम्परेचर जैसे कि T1 है, ये जो है वो टेम्परेचर जैसे कि T2 है, फॉर एन एग्जाम्पल, क्लियर ना? तो अब उस हिसाब से हम उसको, आपको ये पहले तो देख के पता ये चल जाएगा कि भाई ये T1 T2 और K1 K2 है। K1 K2 को तो गोली मार दो, T1 T2 है, मतलब कि हमने T1 और T2 कंडीशनल, याद करो मैंने आपको जो भी फॉर्मूला डिराइव करवाए थे आरएनएस इक्वेशन के, यानी कि जो भी फॉर्मूला मैंने आपको क्लियर करवाए थे किसके, ईए के, एक्टिवेशन एनर्जी के, उसके अंदर जब कंडीशन आती थी कि अलग अलग कंडीशन दी हुई हो, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, K1, K2, अलग अलग वैल्यूज अगर हमारे पास होती है तो हम क्या करते हैं उस पोजीशन के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? याद करो, EA इज इक्वल टू ये आपको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला था log K1 by K2, क्या log, समझना, log K1 by K2 is equal to 2.303 by EA into R multiply 1/T1 − 1/T2। शायद याद आ गया होगा क्योंकि ये चीज पे मैंने बहुत ही ज्यादा फोकस करवाया था आपको और बताया भी था कि आपको ये चीज बहुत ज्यादा काम में आएगी, उसका न्यूमेरिकल भी मैंने ले लिया है। क्या था?
log k1 by k2 2.303 upon ea into r multiply 1 upon t1 minus 1 upon t2। इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन लेने का रीजन ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर कंडीशनल चीजें दी हुई है और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारी बार आते हैं कि t1 t2 दिया k1 k2 दिया एक्चुअल में सारी वैल्यू दी हुई है सिर्फ इसको यहां पे पुट करना है आपको और बच्चे इतना तक करके नहीं आते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये बातें पता चलनी चाहिए कि यहां पे हमारे पास अलग अलग सारी वैल्यू मौजूद है। देखिए k1 की वैल्यू भी मेरे पास है, हाँ ये रही। देन आफ्टर मेरे पास k क्यूब k2 की वैल्यू भी है, ये रही रेडी। k2 की वैल्यू भी है, ea मुझे कैलकुलेट करना है। मेरे पास r की वैल्यू भी है 8.314 रेडी। r की वैल्यू भी है 8.314, मैंने आपको बताया था कि वो वैल्यू आपको शायद क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट में देंगे, लेकिन नहीं देंगे तो क्या करोगे, तो आपको याद रख लेनी थी, मैंने आपको तभी बताया था। अब ये जो है उसको थोड़ा हम टेंटेटिव फॉर्म में लिखे प्लस फॉर्मूला वाले फॉर्म में थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। भाई t1 t2 LCM ले लेते हैं, t1 into t2 t2 minus t1 t2 minus t1, यानी आपके NCERT जैसा फॉर्मूला आ जाएगा। आपके NCERT के अंदर जो फॉर्मूला दिया है वो ये वाला फॉर्म दिया है। सिंपल क्या दिया गया है भाई, सारी वैल्यू है, सिर्फ आपको पुट करनी है। r की वैल्यू भी है मेरे पास है, ea को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, ये पूरा लॉग कैलकुलेट कर लूंगा, इस ea को ऊपर ले लूंगा, बाकी सारी वैल्यू t1 t2 भी है ये रहा, ठीक है उसको कन्वर्ट कर दीजिए। सो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो भी चीजें दी हुई है उसकी सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और वो वैल्यू पुट करके आप लोग आंसर लेके आओगे और वो आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है और इजी के साथ थोड़ा समझने लायक भी है। इसके रिलेटेड तो बहुत से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। देखिए जितनी भी वैल्यू हमारे पास है उसमें से यहाँ पे मुझे एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दिया गया। मान लो कि एक्टिवेशन एनर्जी दिया जाता तो मैं k1 k2 उसमें से कोई एक कहने को ढूंढने को कहते, टेम्परेचर वो ढूंढने को कहते, बहुत सी चीजें यहाँ पे है जो आपको ढूंढने के लिए कही जाती। जैसे यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कही गई, सिंपल। तो एक्टिवेशन एनर्जी के जितने भी सम है, जितने भी न्यूमेरिकल है, उसमें से ये टाइप के न्यूमेरिकल बहुत काम के, बहुत ज्यादा आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, द रेट ऑफ केमिकल्स, सॉरी द रेट ऑफ केमिकल डबल फॉर केमिकल रिएक्शन आएगा, सॉरी द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन। कैलकुलेट ईए, ईए को कैलकुलेट करो। क्वेश्चन को पहले तो समझो, ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को आएगा जिन बच्चों ने आखिरी लेक्चर मेरा देखा हुआ है, आखिरी या शायद लास्ट या सेकंड लास्ट दो लेक्चर, क्योंकि उस वक्त मैंने एक चीज यहां पे पढ़ाई हुई थी कि रेट जो होता है रिएक्शन का रेट, उसका कांस्टेंट यानी कि रेट कांस्टेंट जो होता है के, वो रेट कांस्टेंट तभी डबल होता है, समझना क्या, वो रेट कांस्टेंट तभी डबल हो सकता है जब हम टेम्परेचर में 10 डिग्री जितना यानी कि 10 केल्विन जितना क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं 10 केल्विन या 10 डिग्री जितना क्या करते हैं इंक्रीमेंट, समझ। मैं कुछ टेम्परेचर की मेरे पास यहां पे 298 केल्विन टेम्परेचर है तो ये दोनों केल्विन में ही है, मतलब इसलिए मैं बोलता हूं कि 10 केल्विन जितना या 10 डिग्री जितना, वरना टेंटेटिवली तो एक ही चीज आती है क्या, 10 डिग्री जितना इंक्रीमेंट सीधा रेट कांस्टेंट डबल। याद कीजिए मैंने आपको लिखवाया था क्या था, क्या कि अगर अगर टेम्परेचर जैसे कि मेरे पास T1 है और वो टेम्परेचर में मैं क्या करता हूँ, उस T1 के अंदर मैं 10 डिग्री जितना इंक्रीमेंट करता हूँ, क्या टेम्परेचर T1 के लिए, जो ये टेम्परेचर T1 है तो T1 के लिए सपोज मेरे पास रेट K है, समझना रेट K है, तो ये सेकंड कंडीशन के लिए मेरे पास रेट कितना हो जाएगा भाई, रेट मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 2K। याद कीजिए बस इसी सेंटेंस को याद करवाने और इसी सेंटेंस के रिलेटेड जितने सम आते हैं उसको लेके मैंने ये सम निकाला है, क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बताया गया है क्या, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर 298 एब्सोल्यूट रूम टेम्परेचर पे होता है, क्लियर ना, 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 केल्विन जितना आप इंक्रीमेंट करते हो, मतलब कि आप 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर बढ़ाते हो यानी कि 35 डिग्री पे जाते हो, तो द टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन कैलकुलेट ईए, ईए को उस वक्त कैलकुलेट करो, यानी कि मेरे पास रेट कांस्टेंट के है तब मेरे पास टेम्परेचर टी वन है। मेरे पास रेट कांस्टेंट डबल कब हो जाएगा, जब मैं टेम्परेचर में कुछ इंक्रीमेंट कर दूंगा, कुछ कितना भाई, मैं उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दूंगा कितना, 10 डिग्री जितना, कितना
मैं उसके अंदर क्या, मैं उसके अंदर 10 डिग्री जितना अगर इंक्रीमेंट कर देता हूं तो मेरे रेट कांस्टेंट में चेंज आएगा। मेरा रेट कांस्टेंट जो के है वो पहले T1 के लिए के था, लेकिन अब T1 प्लस 10 डिग्री के लिए 2K हो जाएगा। रेडी? तो इस सम के लिए अगर मैं अप्लाई करूं तो पहले मेरा टेम्परेचर कितना है, क्योंकि फॉर्म बताया गया है, तो पहले यानी कि T1 मेरा टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। समझना, बहुत ही समझदार सम है, 298 केल्विन टेम्परेचर था मेरा, उसके लिए मेरा रेट कांस्टेंट सपोज के है। अब वही टेम्परेचर T2 हो गया है भाई, 298 में 10 डिग्री जितना बढ़ा दिया, मतलब जैसे कि हो गया 308 केल्विन, तो उसके लिए मेरा रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जो भी होगा उससे डबल हो जाएगा, x है तो 2x हो जाएगा, मैं के ही लेता हूं। रेडी? यानी कि ये जो है ये वो मेरा K1 हो जाएगा और ये जो है वो मेरा K2 हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं? ये है वो मेरा T1 है, ये है वो मेरा T2 है। ये रहा फॉर्मूला, सीधी वैल्यू वैल्यू रखनी, क्या है मेरे पास फॉर्मूला, log K1 by K2 2.303 by R into EA 1/T1 -1/T2। याद करो, क्लियर? K1 K2 के लिए तो मेरे पास वैल्यू है ही, log K1 क्या है भाई मेरे पास K, ये क्या है मेरे पास 2K, क्योंकि K के तो अपने आप उड़ जाएगा, तो बात ही सीधी खत्म। तो 2.303 बाय R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8.134। ये रहा, क्लियर? सीधी वैल्यू आपको रख देनी है जहां पे, सॉरी 314 इंटू EA, तो मुझे कैलकुलेट करना है, इसको थोड़ा प्रॉपर कर देते हैं, T2 - T1/T1 × T2। सिंपल। अब इसके अंदर देख लो हमारे पास सारी वैल्यू है, के तो उड़ गया पहले से 1/2 मतलब 0.5, सीधा लॉग निकाल लेंगे। आर की वैल्यू भी मेरे पास है, T2 है मेरे पास, T1 भी है, या T2 - T1, फिर आर T2 T1, तो 10 डिग्री इन शॉर्ट आएगा, सीधी सी बात है, 10 डिग्री और नीचे जो भी होगा, मतलब कि ये सम है इसके जैसा। पर देखो छोटा सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं तो आपको बहुत सी दिक्कत आ सकती है। रेडी? तो इसका भी आंसर आपको लेके आना है, इसलिए आंसर आप पे इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन करो और जानो कि कौन सी वैल्यू कहां पर रखनी है और रखने के बाद हमारा आंसर किस तरीके से निकलेगा। स्पेशली लॉग ढूंढना सीखो, बहुत सारे बच्चों को अब तक लॉग नहीं आ रहा, बराबर? तो लॉग स्पेशली कैलकुलेट करो पहले तो, बराबर? इसलिए आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करना है, आंसर लेके आना, और कंपलसरी कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। क्लियर? तो पता चलेगा, इवन आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर लेके आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही काम के क्वेश्चन है। ठीक है? एक और ऐसा सम करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं, फटाफट से पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी का एक और सम लेते हैं। क्वेश्चन है, दी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन 2H गिव्स H2 प्लस I2, 2HI गिव्स H2 प्लस I2। इक्वेशन जरा देख लीजिए, बैलेंस कंडीशन में ही है। ओके, नाउ इज 209.5 किलो जूल पर मोल, यानी कि ये जो है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले डेटा लिख देते हैं, आपको EA दे दिया गया, कितना EA है मेरे पास, 209.5 किलो जूल पर मोल एट 581 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर दे दिया गया है कितना, 581 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, कैलकुलेट दी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इसके ऊपर पूरा सम है, इसलिए आपको ये सम करवाया है मैंने। द रिएक्शन हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, क्या एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या तो ग्रेटर हो, वैसा आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ढूंढना है। तो याद करो RMS इक्वेशन, RMS इक्वेशन क्या था, RMS इक्वेशन के अंदर आपने ये चीज लिखी थी, x इज इक्वल टू e^(EA/RT), याद करो था, x इज इक्वल टू -EA/RT, जहां पे x हमारा फ्रैक्शन था, इन शॉर्ट जो भी मॉलिक्यूल हमने लिया था वो। अब इसको हमने थोड़े नॉर्मल फॉर्म में थोड़ा इलेबोरेट भी किया था, क्या था, दोनों तरफ हम पहले लॉग ले लेते हैं, ln वाला मतलब कि नेचुरल लॉग लेते हैं, ln x इज इक्वल टू ln e रेज़ टू
माइनस ई ए बाय आर टी, एलएन को हटाते हैं, लॉग ले लेते हैं नॉर्मल, लॉग एक्स लॉग किया तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीपल करना पड़ेगा भाई, 2.303 से मल्टीपल कर दिया, सामने की साइड भी सेम लॉग एलएन कर दिया, सामने की दोनों साइड हमने पहले एलएन लिया, दोनों साइड अब लॉग ले लिया, नॉर्मल सी बात है और कुछ नहीं है बराबर। और यहां पे तो पहले लॉग लेने से पहले रूल ले लेते हैं कि भाई ये जो ई ए बाय आर टी है वो आगे आ जाएगा, मतलब कि माइनस ई ए बाय आर टी, एलएन और साथ में ई है तो एलएन मतलब तो नेचुरल लॉग मतलब कि ई बेस वाला लॉग, एलएन की जगह पे आप लोग दूसरा क्या लिख सकते थे, ऐसा लिख सकते थे ना लॉग ई ई, ये तो क्या होता है वन, क्योंकि उसके पावर का जो टर्म था वो तो कहां पे आगे आ गया है ना, चलिए तो ये आगे आ गया मतलब कि लॉग, ये तो क्या हो गया वन, सो ये तो यहां से हट जाएगी मतलब वो तो वन हो गया, सो लॉग एक्स 2.03 को सामने डिवाइड में जाने देते हैं, माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी, कुछ ऐसा भी एक इक्वेशन हमने डिराइव किया था, याद करो ये तो मैंने यहाँ पे डिराइव करके दिया, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, पर आप डायरेक्ट ये लिख नहीं पाओगे, उसका रीजन है क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो एक्स होता है, मतलब आप इसको लिख के इसको कैलकुलेट कर सकते हो बराबर, कोई भी वैल्यू बराबर, सो log x is equal to minus e a upon 2.303 rt, अब x की जगह पे आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कोई भी दिखा सकते हो जैसे कि मैंने ये दिखाया। अब आपको x तो कैलकुलेट करना है, आपके पास e a है, हाँ ये रहा, आपके पास t भी है, ये रहा, r की वैल्यू तो आपके पास पहले से मौजूद है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो कर देते भाई log x is equal to minus e a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2.09, देखिए 209.5 किलो जूल है, तो किलो जूल में से बोले जूल में चले जाते हैं, मतलब कि 209.5 है तो मल्टीपल कर देंगे 1000 से 5000, क्लियर ना, 0.5 उसके बाद 1. हट जाए, माफ कीजिए 00, 1. हट जाएगा पहले से, मतलब कि 209500 डिवाइड बाय 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर भी हमारे पास है ये रहा 581, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, लॉग को उस तरफ जाने देना है, मतलब कि एंटी लॉग ऑफ जो आंसर आया वो सिंपल, देखिए इतना इजी है सम, केमिकल काइनेटिक्स के सम है इजी, थोड़ा अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हो, क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो अगर जान लेते हो, हमें डेटा के फॉर्म में जो दिया गया है उसके ऊपर से ही आपको तो आधा पता चल जाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आर्गुमेंट इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन आते हैं जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर भी ज्यादा फोकस रखिएगा। बाकी एक बार अगर आपने डेटा आइडेंटिफाई कर लिया, देखिए हमने तीन सम किए, तीनों तीन सम के अंदर आपको पता चल गया कि भाई अगर वो आर्गुमेंट इक्वेशन का सम है, अगर वो कंपैरिजन वाला सम है, कंडीशनल सम है, टेंपरेचर T1 T2 वाला सम है, तो आप आसानी से गिन पाए, क्यों, क्योंकि आपको एक बार डेटा पता चल गया, फिर आपको सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमने हर एक के डिफरेंशियल रेट लोग डिराइव किए हुए हैं, ऐसे दूसरे भी बहुत सारे सम है। और दूसरी एक बात, जो हाफ लाइफ टाइम के जितने भी पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड के जो भी न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल तो एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग पहले तो हाफ लाइफ पीरियड जो है तीनों तीन के लिए, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए, वो याद कर लीजिए उसके फॉर्मूला, उसमें भी मैक्सिमम पूछा जाता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो हाफ लाइफ है T1 ऑफ 0.693 बाय के, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो उसकी वैल्यू भी आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि उस वक्त रेट कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, और वो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के बाद आपको उसके अंदर वैल्यू रख के सीधा हाफ लाइफ ढूंढना रहेगा, या तो आपको रेट कांस्टेंट दे दिया जाएगा, उसकी वैल्यू आपको उसके अंदर रुकनी रहेगी, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि सारी चीजें नॉर्मली ही होती है, आपको सिर्फ सिखानी रहती है और कुछ बात नहीं बनती बराबर, इसके अंदर से देखना है, देख देख के आपको सिर्फ सीख के सॉल्व करना है, रेडी। सो केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर दिया बच्चों, न्यूमेरिकल पोर्शन भी खत्म हो गया, इसके रिलेटेड दूसरे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल है जो मैं आपको भेज दूंगा, आपको उसको सॉल्व करना है, और नेक्स्ट लेक्चर से एक नया चैप्टर चालू करेंगे, और तब तक इन सारे चैप्टर्स की, इन सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, दूसरे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, टिल देन थैंक्स अ लॉट।